नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यह कैसे चल रहे हैं बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगा, जैसे आप लोग चाहते हैं आपके पास देखिए बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं, आप कोई एक नंबर को देखिए आप चाहते हो मेरे पास कॉल करें तो मेरा नंबर देखिए नॉट रीचेबल बताए या स्विच ऑफ बताए, आप इस तरह देखिए सिर्फ एक नंबर के लिए एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा चलिए बता देता हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे आप अपने मोबाइल में सिर्फ एक नंबर को नॉट रीचेबल करना चाहते हैं या आप सभी नंबर को नॉट रीचेबल करना चाहते हैं, स्विच ऑफ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई कॉल करे सिर्फ एक नंबर पे स्विच ऑफ बताए या सभी लोग लगाएं सभी को स्विच ऑफ बताए, तो आप इस सेटिंग को क्या करना है कैसे एक्टिवेट करना है चलिए बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन रहा कॉल कॉन्टैक्ट इंटरनेट ब्राउजर और देखिए मैसेज ऑप्शन रहा। दोस्तों सबसे पहले हमें यहाँ कॉल वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए कॉल हिस्ट्री शो कर रही है, डायल पैड का ऑप्शन रहा और देखिए थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ देखिए कॉल लॉग और एडिट और साइड में देखे थ्री डॉट शो करा। दोस्तों हमें यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखे उनसे ब्लॉक हैरेसिंग कॉल कॉल सेटिंग। दोस्तों हमें यहाँ कॉल सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ देखे फोन कॉल्स और यहाँ पे स्पीड डायल सिम वन सिम टू जिस नंबर पे आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं देखे सिम वन पे करना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखे सिम वन नंबर कॉल वेटिंग कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग कॉल वेयरिंग वॉइस मेल फिक्स डायल नंबर शो माई कॉलर आईडी ये सभी हम सुख रहे हैं। दोस्तों हमें यहाँ देखिए कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों आप थोड़ा वेट करना, नहीं आप सोचेंगे कॉल फॉरवर्डिंग के माध्यम से हम देखें नॉट रीचेबल और स्विच ऑफ कैसे देखें एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए ऐसा पेज ओपन हो गया है, यहाँ देखिए ऑलवेज फॉरवर्ड वेन बिजी वेन आंसर्ड वेन अनरीचेबल। दोस्तों यहाँ देखिए चार ऑप्शन सुख रहे हैं। दोस्तों मैं यहाँ देखिए सबसे पहले ऑलवेज फॉरवर्ड यहाँ पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों जैसे आप लोग सभी के लिए लगाना चाहते हैं कोई भी आपके पास कॉल करे तो सभी को देखें स्विच ऑफ बताए या नॉट रीचेबल बताए तो आपको क्या करना होगा चलिए बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ देखिए ऑलवेज यूज दिस नंबर, दोस्तों आपको यहाँ पे वो नंबर इंटर करना है जैसे आप स्विच ऑफ के लिए लगाना चाहते हैं तो जो आपका नंबर स्विच ऑफ रहता हो या किसी भी देखिए स्विच ऑफ नंबर हो उसको यहाँ पे इंटर करना है, टर्न ऑन पे क्लिक करना है। जैसे आप चाहते हैं मेरे पास कोई कॉल करे तो नॉट रीचेबल बताए तो आपको देखिए जो नंबर कोई एक नॉट रीचेबल नंबर हो उसको यहाँ पे इंटर करना है, टर्न ऑन पे क्लिक करना है, फिर आपके पास देखिए कोई भी कॉल करेगा तो देखिए आपका नंबर नॉट रीचेबल बताएगा। दोस्तों ये सेटिंग होगा सभी के लिए, जैसे आप सिर्फ एक लोगों के लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नहीं है तो आपको क्या करना होगा चलिए वही बता देता हूँ। दोस्तों हमें यहाँ से बैक आ जाना है और यहाँ फिर हमें यहाँ देखे कॉल वाले पे क्लिक करना है, फिर ऐसा पेज ओपन हुआ। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूँ जैसे आप लोग सभी के लिए एक्टिवेट कर देते हैं बाद में आप उसे डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ थ्री डॉट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ देखे कॉल सेटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ देखे जो कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग है यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखे शो कर रहा ओपन हो रहा थोड़ा वेट करेंगे और यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट शो कर रहा ऑलवेज फॉरवर्ड जैसे आप एक्टिवेट कर देंगे तो यहाँ पे देखिए नंबर शो करेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ देखे टर्न ऑफ का ऑप्शन शो रहा है यहाँ पे क्लिक करना है, फिर देखिए डीएक्टिवेट हो जाएगा। जैसे सिर्फ आप एक नंबर के लिए इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा चलिए वही बता देता हूँ। दोस्तों जैसे यहाँ देखिए पूरी कॉल हिस्ट्री शो कर रही है, कोई आपका देखिए बार बार कॉल कर रहा परेशान कर रहा, आप चाहते हैं उस नंबर को देखिए वो कॉल लगाए तो मेरे पास कॉल ना आए तो सबसे पहले यहाँ देखिए जैसे फर्स्ट में एक नंबर शो कर रहा है जैसे मुझे देखिए इसे एक्टिवेट करना है तो साइड देखिए ऑप्शन शो कर रहा है यहाँ पे क्लिक करना है और फिर ऐसा पेज ओपन हुआ। यहाँ पे देखिए न्यू कॉन्टैक्ट और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन रहे। दोस्तों हमारे पास और कोई देखिए ऑप्शन नहीं है, हमें यहाँ देखे ऐड टू ब्लैक लिस्ट यहाँ पे इंटर करना है और यहाँ ओके पे क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ देखे ब्लैक लिस्ट में ऐड हो जाएगा, अब वो देखे कॉल करेगा तो आपके पास देखे कॉल नहीं लगेगा और उसको ये भी नहीं बताएगा कि उसका नंबर ब्लॉक किया गया है। अब जैसे कभी आप इसे हटाना चाहते हैं तो इसी तरह देखिए आपको ओपन करना है, अनब्लॉक वाले पे क्लिक करना है, फिर यहाँ ओके पे क्लिक करना है, इसी तरह आप इसे डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह आप लोग सभी नंबर को देखे नॉट रीचेबल कर सकते हैं या सिर्फ एक नंबर को नॉट रीचेबल करना चाहते हैं तो इसी तरह देखे एक नंबर को भी देखे एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों यह मेरी जानकारी आपको कैसी लगी लाइक कमेंट करके जो बताइए। दोस्तों अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर बता दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।